समोसे में कहीं गौमांस भरकर तो कहीं कॉन्डम और गुटखा भरकर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये दोनों घटनाएं हैरान करने वाली हैं और इसका मकसद भी अलग अलग है। पहला मामला गुजरात के वडोदरा का है। यहाँ पुलिस ने 6 लोगों को नॉनवेज समोसा में गौमांस मिलाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वडोदरा पुलिस को जानकारी मिली थी कि शहर के पानीगेट इलाके में चर्चित दुकान हुसैनी समोसा सेंटर पर बीफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों किलो गौवंश का मीट जब्त करके जांच के लिए भेज दिया। मामले को लेकर DCP पन्ना मुमाया ने कहा कि टेस्ट में पता चला है कि समोसे के स्टफ में गौमांस मौजूद था। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से हुसैनी समोसा सेंटर के मालिक यूसुफ शेख और नईम शेख के अलावा दुकान पर काम करने वाले हनीफ भटियारा, दिलावर पठान, मोइन हफदाल और मोविन शेख शामिल हैं। DCP मोमाया ने बताया कि ये लोग रोजाना बड़ी मात्रा में कच्चा समोसा तैयार करते थे और शहर के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करते थे। वहां इसे फ्राई करके कस्टमर्स को बेचा जाता था। मामले के आरोपी यूसुफ शेख ने बताया कि वे लोग समोसे में गौमांस का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि वो भैंस या फिर बकरी के मांस से सस्ता होता है, इससे उन्हें बड़ा मुनाफा होता था। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये लोग गौमांस कहां से लाते थे। वहीं दूसरा मामला महाराष्ट्र के पुणे का है। यहां पिंपरी चिचवाड़ में एक प्रमुख ऑटो कंपनी को सप्लाई किए गए समोसे में कथित तौर पर कंडोम, गुटखा और पत्थर पाए गए हैं। इसके बाद 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। चिखली पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि मनोहर एंटरप्राइज के कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि फिरोज शेख नाम के कर्मचारी ने कथित तौर पर समोसे में कंडोम, गुटखा और पत्थर भरे थे। 27/3/2024 को टाटा मोटर्स के कार प्लांट के कैंटीन में समोसों में कुछ हार्मफुल चीज़ें जैसे कंडोम, विमल गुटखा, पत्थर चीज़ें मिल गई थी। उसके बाद कंपनी को जो सप्लायर फूड मटेरियल सप्लाई करने वाले कैटलिस्ट सर्विसेज सॉल्यूशन इस कंपनी ने उसकी जानकारी ली तो उसको ये समोसा सप्लाई करने वाले मनोहर एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी थी। वो मनोहर एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी में फिरोज उर्फ मंटू ये बंदा काम कर रहा था। समोसे बनाते टाइम उन्होंने ये चीज़ें उस समोसे में मिक्स की थी। उनके तस्वीर में बाद में पता चला कि फिरोज सैकुर मंटू इसको पूर्व सप्लायर जो थे SRS एंटरप्राइजेस उनके कहने के हिसाब से उन्होंने एक चीज़ की थी। कैटलिस्ट सर्विसेज सॉल्यूशन ने कंप्लेन देने के बाद चिखली पुलिस स्टेशन में 328/120B IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्राथमिक जांच में फिरोज शेख उर्फ मंटू को अरेस्ट किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। टोटल कितने आरोपी इसमें जिनके खिलाफ मामला दर्ज है उनके नाम बता दीजिए। अभी क्या इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन में जिसका जिसका नाम सामने आ जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। कितने के खिलाफ मामला दर्ज है? मामला 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है लेकिन इन्वेस्टिगेशन चालू है। फिलहाल इन दोनों मामलों के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।